इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप आपका गेम सीसी एमुलेटर में अनलिमिटेड क्रेडिट जमा कर सकते हो, वो भी बिना एड देखे। जैसे कि आपको पता होगा कि गेम सीसी में हमें एक एड के बदले एक ही क्रेडिट मिलता है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका यह प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। आपको गेम सीसी एमुलेटर में क्रेडिट लेने के लिए एक भी एड देखना नहीं पड़ेगा। सो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट ट्रिक के बारे में। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रिक है कि कभी कभी गेम सीसी एमुलेटर में एड देखने के बटन में क्लिक करने पर क्लिक करते ही इंस्टेंटली हमारा एड नहीं चलता। अब इसी चीज का फायदा उठाकर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एड देखने के बटन में काफी ज्यादा पर क्लिक करना। बहुत ज्यादा पर एड देखने के बटन में क्लिक करने पर हमारे सारे के सारे एड एक ही साथ चल जाएंगे। अब इसकी वजह से होता यह है कि आपको सिर्फ एक एड देखना पड़ेगा और अंदर ही अंदर आपके सारे के सारे एड ऑटोमेटिकली चलेंगे और खत्म भी हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही एड का टाइम में बहुत सारे एड चलेंगे और खत्म भी हो जाएंगे। आपको सिर्फ करना यह है कि एड देखने की बटन में क्लिक करने के बाद ऊपर एक ब्लू लाइन कंप्लीट होता है, वो लाइन कंप्लीट होने के बाद अगर हमारा एड नहीं चला तो हमें यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर लाइन को कंप्लीट होने देना है, देन फिर से आपको एड में क्लिक करना है, देन आपको फिर से लाइन को कंप्लीट होने देना है, देन आपको फिर से एड देखने के बटन में क्लिक करना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4 से 5 बार क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद हमारे 5 ही एड एक ही साथ चलेंगे। यहाँ पर एक एड के ऊपर दूसरा एड चलेगा और ऐसा होने पर हमें यहाँ पर सिर्फ एक एड देखना पड़ेगा और बाकी के 4 एड अंदर ही अंदर चलेंगे और खत्म भी हो जाएंगे। देन यहाँ पर एड खत्म होने के बाद हमें यहाँ पर 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एड्स तो 5 चलेंगे लेकिन सारे के सारे एड एक के ऊपर एक चलेंगे तो हमें सिर्फ एक ही एड को देखना पड़ेगा। इस ट्रिक की मदद से हम यहाँ पर काफी जल्दी बहुत आसानी से काफी सारे क्रेडिट जमा कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता। अगर आप इसे रात में ट्राई करोगे तो इस ट्रिक का काम करने का चांस ज्यादा होगा, और अगर आप आपका डाटा कनेक्शन का स्पीड 3G करके इस ट्रिक को ट्राई करोगे तो इस ट्रिक का काम करने का चांस काफी ज्यादा होगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रिक तो यही था, अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड ट्रिक के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर हमारा सेकंड ट्रिक टेम्पररी जीमेल से रिलेटेड होने वाला है। आपको पता होगा कि गेम सीसी में हमें न्यू साइन अप करने पर साइन अप बोनस मिलता है। अभी के टाइम में गेम सीसी में हमें न्यू साइन अप करने पर साइन अप बोनस के तौर पर $0.15 का कूपन मिलता है और हमें डेली फ्री में $0.15 का कूपन तो मिलता ही है। टोटल हमारे पास $0.30 का कूपन बन जाएगा। आपको इंटरनेट में बहुत सारे टेम्पररी जीमेल प्रोवाइड करने वाले वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आपको उन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से टेम्पररी जीमेल को जनरेट करना है, देन आपको उस जीमेल के थ्रू गेम सीसी में लॉग इन करना है। लॉग इन करते आपको वहाँ पर न्यू साइन अप बोनस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर गेम खेल सकते हो। लेकिन गाइस, बोनस मिलने के बावजूद भी हमें यहाँ पर गेम खेलने के लिए क्रेडिट तो जमा करना ही पड़ता है। आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रेडिट जमा करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर 30 मिनट का प्ले टाइम ले सकते हो। सो गाइस फाइनली, अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी आज के वीडियो के थर्ड नंबर की ट्रिक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज करने के बाद गेम सीसी एप्लीकेशन में क्रेडिट्स लेने के लिए आपको एक भी एड देखना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, देन वहाँ पर आपको सर्च करना है ऑटो क्लिकर। यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले हो तो इस एप्लीकेशन का लोगो और नाम को जरूर से नोट कर लेना, क्योंकि आपको सिमिलर लोगो वाले बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो एप्लीकेशन ओपन होता है आपको कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ओके में क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पर एसेसिबिलिटी का सेटिंग खुल जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल में ये ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है। यहाँ पर आपको मोर डाउनलोड सर्विसेज या फिर डाउनलोड एप्स का सेक्शन को ढूंढना है। यहाँ पर मेरा मोर डाउनलोड सर्विसेज का ऑप्शन यहीं पर दिख रहा है, तो मेरे को सिंपली इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ऑटो क्लिकर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल में क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर ओके में क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एक है हमारा सिंगल टारगेट मोड और दूसरा है हमारा मल्टी टारगेट्स मोड। आपको यहाँ पर मल्टी टारगेट मोड के सेक्शन में जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक है हमारा डिले और दूसरा है हमारा स्वाइप ड्यूरेशन। यहाँ पर आपको डिले वाले सेक्शन में एक मिली सेकंड लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर जो 300 लिखा है इसे हटाकर हमें यहाँ पर 50 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। देन बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इनेबल का बटन दिख रहा होगा, उस बटन में आपको क्लिक करना है। इनेबल में क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, इसे आपको हटाना नहीं है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को रिसेंट से कट नहीं करना है। अगर आप इसे बैकग्राउंड से हटा देते हो तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन आ रहा था वो भी हट जाएगा, इसलिए आपको इसे बैकग्राउंड पे रन करने देना है। आपको इसे मिनिमाइज करके रखना है। देन यहाँ पर हमें ओपन करना है गेम सीसी एमुलेटर को। लेकिन गाइस, अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 12 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन का सारा सेटअप कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जब मैंने यहाँ पर इसे फिर से दोबारा रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से वही पॉपअप आ रहा है, जो एसेसिबिलिटी का पॉपअप था वो फिर से आ रहा है। यहाँ पर मेरे को ओके में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एसेसिबिलिटी सेटिंग खुल गया और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इनेबल है, फिर भी वहाँ पर वो पॉपअप आ रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको फिर से इसे ऑफ करना पड़ेगा। देन ऑफ करने के बाद आपको फिर से इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप बैक जाओगे तो आपको वहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे इनेबल कर सकते हो। लेकिन फिर से एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टार्ट करने पर आपको ये प्रोसेस फिर से कम्प्लीट करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन को इनेबल कर लिया हूँ। इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पर ओपन करना है गेम सीसी एमुलेटर को। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, मैं एड देखने के सेक्शन
सेक्शन में आ चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा की मैपिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं एड देखने के सेक्शन में आ चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा की मैपिंग। इसके लिए आपको जो प्लस वाला आइकन है उसमें आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे एक वन दिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस वन को फ्री वन क्रेडिट बाय वॉचिंग एड का जो बटन है वहाँ पर लाकर आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक बार एड देखना पड़ेगा। एड में क्लिक करने के बाद आपको एड का कट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर लाकर आपको टू सेट करना है। टू के लिए आपको फिर से प्लस में क्लिक करना है, आपको स्क्रीन पर टू आ जाएगा। उस टू को ले जाकर जो एड का कट करने का बटन होता है वहाँ पर लाकर आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इस बटन में क्लिक करते हो तो हमारे जो सारे के सारे बटन हमने सेट किया था वो सारे गायब हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करता है, मेरे सारे बटन गायब हो चुके हैं। आपको यहाँ पर इस एड को कट करना है, देन कट करते हैं। यहाँ पर आप देखो कंफर्म का बटन में हमें यहाँ पर फिर से एक बार सेट करना पड़ेगा। आपको बस प्लस में क्लिक करना है। प्लस में क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पे एक थर्ड बटन मिल जाएगा थ्री लिखकर। उस बटन को ले जाकर आपको जो कंफर्म का ऑप्शन है वहाँ पर लाकर आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप इस बटन में क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे बटन गायब हो जाएंगे, देन हमें यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। अब यहाँ पर एड देखने के बाद जो एड का कट करने का ऑप्शन होता है वो हमेशा एक ही जगह पर नहीं आता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे जो एड का कट करने का सेक्शन है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ चुका है। पहले था राइट साइड में, अब यहाँ पर जो आ चुका है लेफ्ट साइड में। और अब यहाँ पर फिर से दूसरा एड राइट साइड में आ चुका है, मतलब इधर उधर ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर देखो, मैं लेफ्ट साइड में टू बटन को सेट किया हूँ, राइट साइड में जाकर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ थर्ड बटन। यहाँ पर जब एक चीज को काफी ध्यान में रखना है कि जो मैं बटन को सेट कर रहा हूँ उन बटन को आखिर में कैसे सेट कर रहा हूँ उसके ऊपर काफी ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बटन को सेट करने में गलती करते हो ना तो आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने थर्ड बटन को तो ऊपर ले जाकर रख दिया, तो यहाँ पर मेरे को कन्फर्म की जगह पर फिर से एक बटन चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैंने फोर्थ बटन को कन्फर्म वाली जगह पर सेट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको फर्स्ट बटन में क्लिक करना है, देन इसका जो टाइम है उस टाइम को आपको 40-50 सेकंड के बीच में रखना है। देन आपको यहाँ पर सेकंड बटन में क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको पहले से एक टाइम दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 50 सेकंड है। इस टाइम को आपको हटाकर यहाँ पर आपको 3-5 सेकंड के बीच में टाइम को सेट करना है। यहाँ पर मैं 3 सेकंड सेट कर रहा हूँ, अब भी यहाँ पर 3 सेकंड सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड बटन में क्लिक करना है, देन यहाँ पर भी आपको पहले से एक टाइम मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा 40 सेकंड है। इस टाइम को आपको हटाकर यहाँ पर भी आपको 5-3 के बीच में रखना है। ऐसे ही आपको फोर्थ बटन में भी सेम करना है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना है, जो हमारा टाइम का ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपका मिली सेकंड भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको उस मिली सेकंड को हटाकर सेकंड रखना पड़ेगा। फाइनल गाइस, यहाँ पर हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस प्ले वाली बटन में क्लिक करके आपका मोबाइल को कहीं पर रख देना है, देन ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल एड देखेगा, उस एड को कट भी करेगा, देन आपका जो क्रेडिट होता है उस क्रेडिट को क्लेम भी करेगा। यहाँ पर गाइस होता है की जहाँ पर भी हमने बटन को सेट किया था वो जगह पर ऑटोमेटिकली क्लिक होता है। यहाँ पर हमने जो टाइम सेट किया था 40 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, उन टाइम के बेसिस पर जिन जिन जगहों पर हमने बटन को सेट किया था उन जगहों पर ऑटोमेटिकली क्लिक होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट बटन में 40 सेकंड का टाइम सेट किया था, उसका मतलब यह है कि फर्स्ट बटन में क्लिक होने के 40 सेकंड के बाद सेकंड बटन में क्लिक होगा। और सेकंड बटन में हमने 3 सेकंड सेट किया था, तो उसका मतलब यह है कि सेकंड बटन में क्लिक होने के 3 सेकंड बाद थर्ड बटन में क्लिक होगा। और थर्ड बटन में हमने 5 सेकंड सेट किया था, उसका मतलब यह है कि थर्ड बटन में क्लिक होने के 5 सेकंड बाद फोर्थ बटन में क्लिक होगा, और फोर्थ बटन में क्लिक होने के 5 सेकंड बाद फर्स्ट बटन में क्लिक होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक भी एड देखना नहीं पड़ेगा, आपको बस मोबाइल को सेट करके छोड़ देना है, देन आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली एड देखता रहेगा और आपको यहाँ पर क्रेडिट मिलते रहेंगे। आपको बस आपका मोबाइल को सेट करके छोड़ देना है, देन आपका कुछ भी काम कर सकते हो, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली सब कुछ करता रहेगा। और अगर आपके घर में दो मोबाइल हो तो दो मोबाइल में आप सेम आईडी लॉगिन करके सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 50-60 एड चलने के बाद गेम सीसी यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करने को बोलता है। अगर आप इसे सुबह, दोपहर और शाम को ऑन करके छोड़ देते हो तो आप एक ही दिन में बहुत ही सारे क्रेडिट आपके अकाउंट में जमा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बार एड देखने के बाद एड नॉट लोडिंग या फिर वेट फॉर फ्यू आवर्स जैसा देखने को मिलता है तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ी देर तक वेट करना है। और अगर यहाँ पर एक चीज को ध्यान पे रखना कि जो हमने फर्स्ट बटन में टाइम सेट किया था उस टाइम को आप 40 सेकंड से कम कभी भी मत रखना। यहाँ पर हमारा फर्स्ट बटन का सबसे बेस्ट टाइम 50 सेकंड है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी जल्दी में करना चाहते हो तो आप उसे 45 सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन 40 सेकंड में आपको कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप आपके गेम्स इस अकाउंट में बहुत सारे क्रेडिट्स ऑटोमेटिकली जमा कर सकते हो। आपको बस आपके मोबाइल को सेट करके छोड़ देना है, देन आप कुछ भी काम कर सकते हो और इधर आपके क्रेडिट भी जमा होते रहेंगे। सो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।